जहां शिक्षक और छात्रों का सम्मान होगा, अब ACS के हाथों ये सम्मानित होंगे। हर महीने इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ACS इस सिद्धार्थ का ये फैसला सामने आया है। हर प्रखंड से एक शिक्षक और एक छात्र सम्मानित किए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन इसमें होगा। चयन प्रक्रिया की बाद में जानकारी दी जाएगी। बच्चों को शिक्षक शारीरिक दंड नहीं देंगे, ये भी कहा गया है। वर्ग के मॉनिटर अनुपस्थित छात्रों की संख्या का ब्यौरा तैयार करेंगे। तो पटना से खबर, जहां देखिए शिक्षक और छात्रों को सम्मानित किया जाना है। इसके साथ साथ ACS की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब बच्चों को शिक्षक का शारीरिक दंड नहीं देंगे, साथ ही साथ जो वर्क मॉनिटर होंगे उनको अनुपस्थित छात्रों की लिस्ट तैयार करनी होगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, एजुकेशन क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के DEO को खास निर्देश जारी किया है। 5 अहम बातों को लेकर ये विशेष निर्देश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, स्कूल प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन पर जोर देने की बात कही गई है। शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि छात्र स्कूल की पोशाक, बस्ते, सभी विषयों की किताब लेकर आएं। शिक्षकों को स्कूल आकर हाजिरी ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज करानी होगी। स्कूल में माध्यान्ह भोजन योजना सुनिश्चित करना होगा और हर दिन स्कूल में चेतना सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक बच्चों से नैतिक मूल्यों पर चर्चा करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर तारीख, दिन और छात्र की संख्या दर्ज करनी होगी। कक्षाओं में हेड गर्ल, हेड बॉय बनाकर छात्रों को मोटिवेट करने की बात कही गई है। इन सब के अलावा अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित करने जैसे निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया। JDU ने इसका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी